7 जून 2022 अचानक दुनिया के 7 देशों में इंटरनेट बंद हो जाता है, कंप्लीट इंटरनेट ब्लैक आउट। इससे दुनिया परेशान, गूगल परेशान, फेसबुक परेशान, अमेजॉन परेशान, करोड़ों का घाटा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह की तलाश शुरू होती है, तब पता चलता है एक इंटरनेट केबल, एक सबसी इंटरनेट केबल समुद्र के नीचे मौजूद एक इंटरनेट केबल डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से 12 कंट्री में इंटरनेट बंद हो गया था। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 1CJ शॉर्ट फॉर्म में AAE-1 इंटरनेट केबल, जिसे सबमरीन केबल कहा जाता है, जो कि हांगकांग से फ्रांस के मार्सिल तक जाता है और 15,500 मील की दूरी तय करता है। ये कैसे तय करता है? हांगकांग से ये तार निकलता हुआ समुद्र के नीचे किनारे से चिपक कर चलता है और साउथ चाइना को छूता हुआ यूरोप क्रॉस करता हुआ ये फ्रांस के मार्सिल तक पहुंचता है। अपने इस सफर में ये लगभग 12 कंट्री को रास्ते में इंटरनेट प्रोवाइड करता हुआ चलता है, जो कि भारत से लेकर के ग्रीस तक, जो AAE-1 इंटरनेट केबल है, ये भारत से लेकर ग्रीस तक के देशों को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसी के कट लग गया था और दुनिया भर की इंटरनेट कंपनियों को ये होश आया कि कितना कमजोर है इंटरनेट, और भी इंटरनेट केबल जो समुद्र की गहराइयों में डुबा कर रखे जाते हैं, ये कट गए तो इंटरनेट से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो इंटरनेट पूरी दुनिया का चलता है, उसका 99% डेटा इन्हीं सबमरीन केबल से ट्रांसफर होता है, अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर ये केबल ना रहे तो इंटरनेट की जो स्पीड है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मिनट में 5 मिनट में एक मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, 4K रेजोल्यूशन में वीडियो देख रहे होते हैं, जो फाइल एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस भेज रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज भी बहुत महंगा है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो उतनी स्पीड है, उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, इतनी स्पीड से डाटा आज भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है, इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी समुद्र में बिछाए गए उन सबमरीन केबल पर ही है। ये डाटा केबल लाइट की स्पीड से इंफॉर्मेशन एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन्हीं सबमरीन केबल पर है, जिन्हें इंटरनेट केबल कहा जाता है, और इन्हीं से चलता है आपका और हमारा फास्ट इंटरनेट, और इन्हें बनाना दुनिया का सबसे महंगा, इन्हें साफ करना दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इनमें भी कट लगते हैं, इनमें भी प्रॉब्लम आती है, इसे भी रिपेयरिंग किया जाता है। जो लोग इन्हें रिपेयर करते हैं, जो लोग इन्हें बिछाने का काम करते हैं, उन्हें तगड़ी सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे इन्हीं सबमरीन केबल पर और इन्हें रिपेयर करने वाले की जिंदगी पर। दोस्तों, इन्हें सबमरीन केबल ऐसे ही नहीं कहा जाता, समुद्र के तल से चिपक कर अगर कोई केबल चले तो सोचिए कितनी गहराई पर होगा। नॉर्मल इसे 100 फीट की गहराई पर रखा जाता है, लेकिन कई जगह पृथ्वी पर समुद्र के नीचे, जहां ये केबल 2000 फीट नीचे तक बिछा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा कोई केबल कट जाए तो उसे बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग है, उन्हें सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, स्कूबा ड्राइविंग की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो स्कूबा ड्राइव होते हैं, उन्हें इतने गहराई में उतर करके काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले, एकदम साइंटिफिक दिमाग रखने वाले लोग इतने फिजिकल एक्टिव नहीं रखते, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिव की फिजिकल फिट और एक एक्सपर्ट स्कूबा ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये सबमरीन केबल को किस तरह से बिछाया जाता है। इसके लिए दोस्तों स्पेशल शिप होती है, जिन्हें केबल लेइंग शिप कहा जाता है,
और केबल लेइंग शिप स्टेशन भी होते हैं। ये चपटे आकार के फ्लोर वाले शिप होते हैं जिसमें टनोटन भारी मात्रा में रोल बना करके सबमरीन केबल पर लादा जाता है और पार्टिकुलर स्पीड में ये जो शिप है वो चलती रहती है। केबल लेइंग स्टेशन से निकलते हुए एक पार्टिकुलर स्पीड से चलते हुए केबल को बिछाने का काम करती है। साथ में पीछे एक और शिप चलती है जो कि अंडरग्राउंड चलती है और वो उन केबल को अगर रेत में बिछाना है तो वो शिप रेत में छुपाते हुए चलती है। काफी आराम से ध्यान रखते हुए एक प्रोफेशनल टीम के द्वारा ये काम किया जाता है। आपको बता दें ये जो सबमरीन केबल होता है इसके अंदर सिलिका ग्लास और फाइबर ऑप्टिक बैंड रहते हैं। बात करें कि किस तरह से ये पूरा केबल कैसे बनता है, इसके अंदर सिलिका ग्लास और ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो कि लाइट की स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो ह्यूमन के हेयर से इतना पतला होता है कि इसके बाद सराउंडिंग में इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके सॉल्यूशन के लिए काफी सारी जो लेयर है वो ह्यूमन हेयर के इतना पतला होता है। इसके बाद सराउंडिंग में इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके इंसुलेशन के लिए काफी सारी जो लेयर होती है जैसे कि प्लास्टिक हाई ड्यूरेबिलिटी वाला पॉलीथीन लगाया जाता है, रबर लगाया जाता है, इंसुलेस लगाया जाता है ताकि ये कहीं से डैमेज ना हो सके और नुकसान ना हो सके, किसी प्रकार का जो सेल्टी वाटर है इसकी वजह से नुकसान ना हो सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई नुकसान ना हो सके, इनिमिलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो सके, सिप की वजह से कोई नुकसान ना हो सके, इन सब नुकसान से बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। आपको बता दें कि आज की तारीख में इंटरनेट केबल जो है वो 550 के लगभग इंटरनेट सबमरीन केबल है जो ऑपरेटर कर रहे हैं पूरी दुनिया में और ग्लोबल नेटवर्क का जो इंटरनेट चलता है वही इन्हीं अंडर वाटर केबल के माध्यम से चल रहा है। ये समझ के चलिए कि रीढ़ की हड्डी है पूरे ग्लोबल के इंटरनेट की, अगर ये नहीं रहेगी तो हमें डाटा उस स्पीड से नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन केबल को एकदम मरीन ग्रेड पॉलीथीन से कवर किया जाता है, स्टील से कवर किया जाता है, कॉपर कंडक्टर इनके अंदर डाला जाता है, ग्लास फाइबर डाला जाता है, तब जाकर के ये बनता है और काफी स्ट्रांग होता है, जो आपको समझ में ही आ गया होगा। दोस्तों किस तरह से हमारा इंटरनेट इन सबमरीन केबल पर डिपेंड है और किस प्रकार से इन्हें बिछाने का काम करने वाले लोग, इन्हें मेंटेन करने वाले लोग जो रहते हैं वो एकदम हाईली पेड जॉब एंजॉय करते हैं। हालांकि काफ़ी स्किल्ड और प्रोफेशन होते हैं ये लोग। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।